पुरातन अमरावती का यह भाजी बाजार क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अनेक पुरातन मठ और मंदिर भी है। खड़काड़ीपुरा रोड पर एक सदी पुराना नागनाथ मठ, जो बाद में नारायण गुरु मठ स्थापित हुआ। यहीं परमहंस शंकर महाराज तथा नारायण गुरु की पादुका स्थापित है। कहा जाता है सन 1895 के दरमियान धर्मराज यानी नारायण गुरु का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ। बाल्यावस्था से ही विरक्त धर्मराज ने वेद पाठ शाला में शिक्षण प्राप्त किया और 13 वर्ष की उम्र में ही घर त्याग दिया। 13 वर्ष की उम्र में वे घर त्याग कर देशाटन के लिए निकल पड़े। ईश्वर प्राप्ति के लिए संतों का आशीर्वाद पाने वे शेगांव संत श्री गजानन महाराज के चरणों में उपस्थित हुए। गजानन महाराज ने उमरावती की ओर उंगली निर्देश किया, जिसे शिरोधार्य करते वे दरियापुर और महुलुई में कुछ समय तक रुके। तत्पश्चात मां अंबा के दर्शनार्थ अमरावती पधारे। दर्शन के पश्चात अंबा गेट के पास उनकी भेंट अवलिया पीर कादर मियां से हुई। पीर बाबा ने धर्मराज को शंकर गुरु का पता बताया और यहीं गुरु चेले की भेंट हुई। सन 1911 में गुरु शंकर बाबा के आदेश पर धर्मराज पुनः मावली गए और हरिभजन तथा हरि नाम यज्ञ के कारण वे नारायण गुरु माहुलीकर कहलाए। उनके आशीष से कई भक्तगणों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई। सन 1912 में शंकर महाराज समाधिस्थ होने पर नारायण गुरु इस गादी पर आरूढ़ हुए। अत्यंत सादगी भरा व्यक्तिमत्व के धनी नारायण गुरु ने गुरु महाराज की पादुका पालकी पंढरपुर ले जाने की शुरुआत की। यह परंपरा आज भी पिछले 104 वर्षों से जारी है। सन 1967 में श्री नारायण गुरु समाधिस्थ हुए। उनकी तथा उनके गुरु महाराज की समाधियां आज भी हिंदू स्मशान में उत्तम स्थिति में स्थापित है। संत नारायण गुरु के भक्तगण बड़ी संख्या में नित दर्शनार्थ इस मठ में आकर अलौकिक आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दास्तान अमरावती, प्रस्तुति अशोक भाई जोशी। माझा लहानपणचा एक असा अनुभव आहे की मी ज्यावेळेस 5 किंवा 6 वर्षाचा असताना मी महाराजांच्या पालखीसोबत गेलो आणि मला मजल करता करता तिधारा क्षेत्रामध्ये एक असा अनुभव आला की तिन्ही बाजूनी अशा 3 नद्या आल्या आणि इतका पूर आला की गळ्यापर्यंत नाकापर्यंत चाललं तरी पूर उतरत नाही। शेवटी आम्ही नारायणची पालखी पाण्यामध्ये हे केली, नंतर पाणी उतरायला लागलं, तो एक माझा अनुभव त्या काळातला। सुधारा क्षेत्राला पूर आला, मोठा पूर आला होता, त्यात आमच्या गळ्यापर्यंत नाकापर्यंत पाणी आलं होतं। पाणी आल्यानंतर आम्ही महाराजांचा जयघोष सुरू केला। जयगुरु घोष करत असताना आमच्या लोकांना, काही लोकांना अशी आली की महाराजांच्या दर्शनात पाण्याला महाराज दर्शन घ्यायचं आहे, म्हणून आम्ही पालखी पाण्यापाशी नेल्याबरोबर पूर उतरायला लागला। त्यात आम्हाला एकदम महाराजांचं दर्शन झालं। महाराजांचा असे चमत्कार बरेच आहे, चमत्कार म्हणण्यापेक्षा ते साक्षात्य सत्याखील पुरुष होते, त्याच्यामुळे आम्हाला त्यांचा पुष्कळ अनुभव आहे। माझ्या आता जवळ 18 ते 20 18 19 वारी चालू आहे। महाराजांच्या बरोबर 3 वाऱ्या झालेल्या आहे। आता सध्या आम्ही मठातून, नारायणगुरूच्या मठातून दरवर्षी पालखी देतो आणि ती जवळजवळ 25 मुक्कामं जाताना आहेत। 8 दिवस तिथे मुक्काम आहे आणि येताना 23 दिवसात इथे षष्ठीला येतो। मी पंचमी झाले तर षष्ठीला, नागपंचमीच्या षष्ठीला येतो।